तो मैंने एक कसम खाई है। अब बात अगर ऐसी आती है मुझ पर गाली, मुझे भी एक धमकी भी मिल गई कि यार तुझे मारा जाएगा, क्या तू पाकिस्तान की बात करता है, तू एक बुलाम हैदर की बात करता है, एक सीमा हैदर की बात करता है। मैंने कहा भाई मार दे, आओ मारो ना, किसी के दम हो तो मार के दिखाओ, आओ जिसके मायके दूध पिलाया है तो आओ ना भैया, मैं देखता हूँ, अकेला नहीं हूँ भाई, भारत साथ है मेरे, मीडिया मेरे साथ है, और डरने वाला इंसान नहीं हूँ। चलो मजबूती मेरी माँ ने मजबूत पैदा कर रखा है और शेर पैदा कर रखा है भैया, ऐसे नहीं किसी से बात करता और अपने दम पे चलता हूँ, ठीक है। भौंकने से कुछ नहीं होता, कोई करके दिखाए, ठीक है। अब मैंने गुलाम हैदर की बात अब फिर कर रहा हूँ। भारत, हमारा भारत ने कहा, हमारा भारत सुप्रिय देश है मैडम, संविधान है, सब कुछ अच्छी बात है हमारे देश के अंदर। सुनो, गुलाम हैदर की भी बात सुनी जाएगी, उसके बच्चों की बात सुनी जाएगी, उसको बच्चे दिए जाएंगे, ठीक है, कोई तो लड़ाई लड़ेगा। और एक बात ये कह रहे भी पाकिस्तान से पैसा, देखिए हमें आज तक ना मैं ऐसी बात सोच सकता हूँ और ना ही मैंने किसी से कोई पैसे की बात करी है। मैंने सिर्फ एक इंसान को देखा, गुलाम हैदर को, एक परी उसके बच्चे की बात आई उसको देखा है, एक इंसानियत की बात करता हूँ। इसके अलावा किसी भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ना कभी लूंगा ना कभी, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं कभी जिंदगी में किसी का मैंने पैसा नहीं लिया है, और ना मैं एक सच्चाई की बात पे, मेरे को गालियां भी देते हैं, मेरे को जान से मारने की धमकी आ गई। ये देखो आओ ना, क्या कहते, कह रहे पैसा ले रहा है, अरे भैया मैं एक बाप का दर्द दिखा रहा हूँ, एक बच्चों को दिखा रहा हूँ, एक चार बच्चों को लेके हिंदुस्तान में घुसी है, दिखाओ इस चीज को, चार बच्चे लेके हिंदुस्तान में घुसी है, कैसे घुसी है, मेरी हमारी जांच एजेंसी ने पूरा वक्त दिखाया है, एपी सिंह जैसे वकील ने, सचिन जैसे ने एक चार बच्चे के बाप को उसके बच्चे छीन लिए, ये दिखाओ, ये दिखाते हैं कि कौन कैसा पैसा खाता है, एपी सिंह जैसा पैसा खाता है, सचिन पैसा खाता है, सीमा हैदर पैसे खाती है, हमारे जैसे इंसान ही, हम सच्चे भगवान के हम बच्चे हैं, हमने कभी किसी का, हम किसी पे उंगली नहीं कर सकते, हमने अगर कसम खाई है, क्या एक हर और चार चार बच्चों को लेके किसी देश में भाग दिया, आज हम जो हमारे भारत में से पाकिस्तान से उसको धक्के देके भारत से घुसेड़ दिया, सुन लो फरार हो गई। सर अंजू तो वीजा लेकर गई थी, वीजा लेके गई, लेकिन जो आप सुनो सीमा है, बात है ना, एक सामाजिक बात करो ना, वो वीजा लेके आई किस तरह लेके आई, ये तो इलीगल घुसी है, सीमा कार्रवाई होगी इस पे, सीमा पे, सचिन पे और एपी सिंह पे, एक वकील का भी घमंड टूटेगा, समय आता है मैडम, ठीक है ना, एक एक, एक उसमें चैन पे लिख दिया, कह रहा भैया मुझ पर मतलब धमने की कोशिश की गई है, क्या मैंने एक बात रखी, क्या एक बाप की बात नहीं रख सकता, क्या मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं किसी इंसान की बात नहीं रख सकता, मैंने एक इंसानियत की बात रखी है, और भैया किसी मैं किसी से लड़ता नहीं मैडम, भारत का, भारत मेरे साथ है, भारत, अबे ऐसी छोटी छोटी बातें मैडम आप बता रहे ना, कमेंट में तो लोग लिखते हैं, सुनो मेरी बात, अरे दम हो सामने आओ ना, दम चाहिए मैडम, जिगरा यहाँ से रखता हूँ यहाँ से, ठीक है, किसी से डरता नहीं हूँ, भारत का नागरिक, भारत की बात करूंगा और इसको सीमा को इसको यहाँ से भगाऊंगा, सुनो मेरी बात, और उसके बच्चे दिलाऊंगा गुलाम हैदर के, एक बाप का दर्द है, एक बाप की आत्मा है, एक बाप का सम्मान है मैडम, एक आज देखो उसकी माँ भी रो रही है, क्या एक बाप की बात उठाना गलत है, क्या मेरा देश बताए, कमेंट में मुझे ये जरूर बता दे कि भैया मैं गलत बोल रहा हूँ एक बाप के लिए, एक बाप का दर्द नहीं होता, एक बाप के बच्चे नहीं होते, चार चार बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में घुसी बैठी है, कौन दिखाएगा, एपी सिंह जैसे ऐसे ऐसे वकील जो हमारे देश में हैं, ऐसे ऐसे मैं दर निकाल करूंगा ऐसे ऐसे वकीलों को, सुन लो मेरी बात, ठीक, आप ये दिखाओ ना, किसी बाप का वो दिखाओ झोली पसार के भारत से भीख मांगी उसने, अरे हम ऐसे निर्दयी देश हमारा, ऐसा भारत हमारा, अरे भारत में बहुत शक्ति है, भारत एक बहुत सहनशीलता है, हर जज हर आदमी भारत का हर हर इंसान ने गुलाम हैदर की बात समझी है, ठीक है, मुझे क्या पैसा लिया, अरे भैया मेरे पाकिस्तान से सारा क्या लेना देना, पाकिस्तान से मेरे भारत में पैसे की कमी है क्या, अच्छा कमाता हूँ अच्छी नौकरी करता हूँ, प्रक्रिया होती है, देखो उसके पास पाकिस्तान का आधार कार्ड है, पाकिस्तान का पहचान पत्र है, पाकिस्तान के उसके पास डॉक्यूमेंट है, वहां पर अपनी FIR अपने वकील के द्वारा भारत सरकार उच्च आयोग में अपने यहाँ पर दे, भारत सरकार से, ठीक है, अपील करे अपने कानून के तहत, यहाँ करेंगे आपको वीजा नहीं मिलेगा, वीजा क्यों नहीं मिलेगा, वीजा भी मिलेगा भारत आएगा, भारत में स्वागत के लिए मैं बैठा, सुन लो मेरी बात, ठीक है, 30 करोड़ लोग भारत गुलाम हैदर के पक्ष में आए हैं, भारत के भारत सरकार सख्त हुई है कि बात लेके, और उस बाप का दर्द समझा है सरकार ने, ठीक है, उस बाप की आत्मा समझी है, एक परिवार टूटा है, और बात उसकी दिखाओ, बड़े बड़े चैनल आज हर हर उसके
चूड़ी खनकी, चूड़ी खनकी, ये दिखा देते हैं। ये क्यों नहीं दिखाते? बाप बाप का दर्द दिखाओ, उसके बच्चे दिखाओ। मैडम नहीं चलेगा, मैंने बात उठाई और इस आवाज को और तेज करूंगा मैं भारत के अंदर, अपने भारत के अंदर इस आवाज को तो और तेज करूंगा। अंजू जैसी, जैसे पाकिस्तान से उसको धक्के लेके भागा है, 35 घंटे से लापता हो गई है, सुन लो क्या है, ठीक है। और उसका पति है अरविंद, सुनो मेरी बात, उसकी बेटी है अंजू की, उसने सपष्ट शब्दों में कहा है कि मैं ऐसी माँ के साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और मैडम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ भैया, कमेंट हर हर इंसान का कमेंट में हक होता लिखने का, सभी कमेंट लिखने वालों को एक बात जरूर कहूंगा, मैं सच्चे दिल से, आत्मा से, मैं अपने परिवार को साक्षी मान के कहता हूँ भैया, ना मैं किसी से पैसा लेता हूँ, मैंने सच्चे दिल से, आत्मा से एक इंसान का दर्द समझा है, एक पिता की मदद कर रहा हूँ, वो दुनिया में कहीं है। अगर ये गलत है तो भैया इंसानियत मर जाएगी, इंसान से इंसान का, इंसानियत इंसान से इंसान का भरोसा उठ जाएगा। मैं कहता हूँ इस दुनिया को दिखाओ, ठीक है, मैं कहता हूँ दुनिया को दिखाओ, हर इंसान को एक इंसान की मदद करनी चाहिए। ये तो चार बच्चों का भविष्य है, एक एक पिता का भी सम्मान होता है, एक पिता का दर्द होता है, मैंने सिर्फ एक पिता का दर्द समझा मैडम, इसके अलावा मेरा कोई नहीं। पहली बात तो ये है कि देखो, अभी जैसे कि गुलाम हैदर भारत आने की उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से बच्चों का मामला है, ये बच्चों का मामला एक ऐसा है कि पूरे दो देशों की एक बात आ गई है, ठीक है, दो देशों की एक बात भी आई है। और इसमें क्या है, जो पत्नी है उसकी है, इसमें देखो गुलाम हैदर की पत्नी है। एक बात बताइए, पहली बात तो हमारे में कानून, भारत में कानून ने तलाक तलाक वाली बात खत्म हो चुकी है, ठीक है, जो है अब वो कानूनी प्रक्रिया में हमारे संविधान में कानून में आ गई बात ना, तो हम तीन तलाक वाली तो कोई बात ही नहीं है। और इस तरह से तलाक तो उन्होंने लिया भी नहीं है कि भी आप कोई लाइव तलाक देगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि सीमा हैदर की बात पूछी आपने कि वो जाएगी या नहीं जाएगी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, ये जो मुद्दा देश में उठा है, इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें वो दिखाया गया है, मसाला लगा के दिखाया गया है। सिर्फ सीमा ने देश की देशद्रोह वाली बात करी, अपने देश में और हमारे देश में घुसकर तो उसने बहुत बड़ा एक वो कर दिया कि भाई मैं प्यार में आई हूँ, उसका कोई प्यार नहीं है। सुनो भाई, एक मैंने सुन लीजिए, उसका कोई प्यार नहीं है, सिर्फ उसका कारोबार है। इसमें सचिन और एपी सिंह का पूरी भागीदारी नहीं है। देखिए उसका जो पति है, उसका जो परिवार है, एक इंसान का, एक पिता का जो दर्द है वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं तो बाइट के माध्यम से मैं उसकी बहुत एक हेल्प भी कर रहा हूँ कि भाई तू अगर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, तो भारत में आ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा भारत आपके साथ है। और सीमा मैं कहता हूँ, अगर आप दो पति पत्नी के दो मिलन वाली बात हो जाए, देखिए सुनो, अगर सीमा हैदर से गुलाम हैदर अगर तुम्हारी दोनों की आपस में बन जाए, तो भाई अपने पाकिस्तान ले जा, क्योंकि वो भारत की है ही नहीं, भारत में उसका कोई रोल ही नहीं है, उसके बच्चों का भी रोल नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये पी सिंह ने और सचिन ने जिस तरह से घटना हमारे देश में ये एक पाखंड या कहते हैं एक प्रोपगंडा किया है, इस इन पे सफल नहीं होने वाले है। सबको पता है जब कानून का डंडा चलेगा, कानून की प्रक्रिया, एपी सिंह वकील है, कानून जानता है, उससे अच्छे वकील है, हर कानून की प्रक्रिया से होगी, उसके बच्चे हैं, अगर उसकी पत्नी जाना चाहती है तो जाए, हमें कोई, हमें तो अच्छा है ना, जाए अपने देश जाए, ठीक है। हमारे देश ने ऐसे प्यार का, प्यार के नाम को बदनाम कर दिया उसने। प्यार मैडम, एक प्यार है ना, दिलों की आत्मा होती है, प्यार एक पत्नी से होता है, प्यार एक, प्यार तो देखो ठीक है, प्यार तो किसी से हो जाता है, बच्चे से भी हो जाता है प्यार, तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक जिस तरह का ये प्यार है, चार बच्चे हैं, उसका पति जिंदा है, पूरा देश छोड़ के आ गई और हमारे देश में घुसी बैठी है, ये आप समझो ना, बिल्कुल सरकार ने इंटरफेयर किया है। हमारी जांच एजेंसी है, हमारी एटीएस, हमारी पूरी बहुत ही अच्छी है, जिसे उन्होंने पूरी जांच हो चुकी है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है, एपी सिंह के, एपी सिंह के ऊपर भी होगी। सुनो मेरी बात, वकील है उसने कहा मैं तो वकील हूँ, चलो कहेगा, लेकिन सारा मुद्दा जिस तरह से बहन बना रहा पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान, मतलब फिर मैं कहूंगा पाकिस्तान की महिला हो, हिंदुस्तान की नहीं है, ठीक है, वो एक इलीगल तरीके से देश में है, जिसने उसको पनाह दिया है, एक पनाह का मतलब समझते हो, जिसको घर में पनाह देना, ठीक है ना, मैं मानता हूँ महिला है, उसके बच्चे में सम्मान करता हूँ, लेकिन उसने गलत तरीका अपनाया, एक प्यार, एक किस तरह का प्यार था, फिर उसका पति है, उसके बच्चे हैं, वो भी दिखाए ना,
असली बात, इसका पति है मैडम, जिंदा है, सब कुछ है। अगर इस तरह से घटनाएं होने लगी देश के अंदर या कहीं भी, तो मैडम ये हम नहीं चलेगा, कानून का डंडा होगा, गुलाम हैदर के बच्चे मिलेंगे, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, जाना चाहती जा सकती है। अगर यहाँ रहना भारत के अंदर, अगर हम देखो, मुझे कोई उससे एतराज नहीं है, मैं सिर्फ एतराज रखता हूँ कि उसके बच्चे हैं गुलाम हैदर के, उसके बच्चे दिए जाए बस, ठीक है। उसको तलाक दे कोर्ट में, यहाँ तलाक दे दे, उसके बच्चे हैं बिल्कुल दिए जाए, भारत आ, अपने पासपोर्ट से अपना वीजा लगवा के भारत आ, सब स्वागत है। वकील ने देखो कानून का, कानून के हिसाब से चलना, सारी प्रक्रिया पूरी है, हम साथ दे रहे हैं, किसके साथ दे रहे हैं कि एक पिता को उसके बच्चे दिए जाए मैडम, ठीक है। आज समाज हमारा कहाँ जा रहा है, हम देखिए भारत एक हमारा जो संविधान है, मैं आपको एक बात अच्छी बात बताऊं, किसी भी देश में अगर ऐसी घटनाएं होती है, दो देशों के बीच होती है, दो देशों के बीच में क्या मुद्दा आता है, सुनो, ये किसी भी देश की